हो रहे हैं पिछले 60 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति एक तरफ मिल चुकी है, वहीं अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर परेड की अनुमति दिल्ली में मिल चुकी है, दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी है। 26 जनवरी के को लेकर सभी बैरिगेटिंग खोल दी जाएंगी। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ट्रैक्टर परेड आयोजित होगी किसानों की। परेड के बाद दिल्ली में धरने की अनुमति नहीं होगी, यानी किसान दिल्ली में एंट्री लेंगे, परेड करेंगे और उसके बाद वापस अपने अपने स्थलों पर जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और अब सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरफ जहां आंदोलन जारी है, वहीं सभी जगहों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। जो है तय होगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा। इस देश में पहली बार सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, तमाम रूट्स के लिए जो है रोड मैप तैयार किया जा चुका है, ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारियां की जा रही हैं, दिल्ली को लेकिन चारों तरफ से बैरिकेटिंग से ब्लॉक क्यों किया गया है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि क्योंकि जो रिंग रोड की जो बात कर रहे थे, रिंग रोड की अभी पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। हालांकि अब से कुछ देर में यानी कि 12 से 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन से रूट प्लान है। जो जानकारी मिल रही है कि जो बॉर्डर है वो जो जो अलग बॉर्डर है सिंधु बॉर्डर से जो अलग जो बॉर्डर है वहां से दिल्ली में 100 किलोमीटर अंदर दूर किसान जो नेता है वो प्रदर्शन कर सकते हैं, सब तो ट्रैक्टर ट्रॉली की यात्रा कर सकते हैं। पर जो रिंग रोड है जहां पर लगातार किसान नेता मांग कर रहे थे वहां की परमिशन अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। अब देखने वाली बात होगी जो आज रोड मैप पुलिस की टीम तैयार करेगी वो किस तरीके से रहता है, क्योंकि अलग अलग जो बॉर्डर की हम बात करें, चाहे हिंदू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पूरा रूट प्लान बना रही है और किस तरीके की सिक्योरिटी लेयर रहेगी उसको लेकर आज चर्चा होनी बाकी है। जी जी बिल्कुल राजा, अगर बात करें तमाम रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च जो होगा, अलग अलग ट्रैक्टर मार्च इन तमाम पॉइंट से निकलेगा, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तो क्या क्या रूट्स अभी फिलहाल तय किए गए हैं? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जो रूट प्लान है वो अभी तक पुलिस की टीम आज जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज रूट प्लान किसानों को सौंपेगी, क्योंकि जो रिंग रोड की किसान संगठन नेता जो मांग कर रहे थे वहां की परमिशन अभी तक पुलिस ने नहीं दी है। ऐसे में संशय भी बरकरार है कि क्या रूट प्लान होगा, किस तरीके से रूट प्लान होगा, क्योंकि जो पुलिस ने जो जानकारी ये दी है कि 100 किलोमीटर अंदर दिल्ली में जो है ट्रैक्टर मार्च करके वापस कहीं ना कहीं आना होगा, धरना देने की परमिशन किसी रोड पे पुलिस की टीम ने नहीं दिया। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, उन रूटों पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, धारा 144 लागू की गई है और जहां पर आतंकवादी अलर्ट रखा गया है। तो ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि आज पुलिस रूट प्लान तैयार करेगी और किसान जो नेताओं से एक बार फिर से मुलाकात कर सकती है। जी जी बिल्कुल राजा, तो लगातार जो है तैयारियां आप 26 तारीख को लेकर हो रही हैं, लेकिन हाँ जरूर निराशा किसानों में जरूर देखने को मिली है कि 12 दौर की बातचीतों के बाद भी अभी तक समाधान जो है वो नहीं निकला है। वाकई में जिस तरीके से 12वें दौर की सोनिया वार्ता हो चुकी है और अभी तक समाधान नहीं निकला, और जिस तरीके से 12वें दौर की वार्ता थी उसमें काफी ज्यादा
किसानों ने निराशा कहीं ना कहीं जाहिर किया, जी क्योंकि जिस तरीके से कृषि मंत्री का बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं किसानों को ठीक नहीं लगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या आगे वार्ता के लिए किसानों को बुलाती है, या फिर सारे रास्ते सरकार ने, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अब सरकार कोई बातें नहीं करेगी किसानों से, क्योंकि लास्ट जो प्रस्ताव दिया था उसको भी किसानों ने खारिज कर दिया। अब ऐसे में सरकार और किसानों के बीच अब किस तरीके की वार्ता होती है, दोबारा से टेबल बैठते हैं या फिर कोर्ट में, जो कि जी सुप्रीम कोर्ट चलिए बहुत बहुत लगातार शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सिंघू बॉर्डर से सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, क्या तैयारियां सिंघू बॉर्डर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि तस्वीरें मिल रही हैं कि जगह जगह से ट्रैक्टर जो है निकल चले और कई तो सिंघू बॉर्डर तक पहुंच भी गए 26 तारीख के लिए। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है जहां से इस किसान आंदोलन को लीड दी जाती है, और यहाँ पर जत्थाबंदी है जो 40 लोगों का जो इस आंदोलन को लीड करता है, उन्होंने लगातार जो है लोगों से अपील की है, किसानों से अपील की है कि घर घर से ट्रैक्टर लेकर इस आंदोलन में शामिल हो और 26 जनवरी को लेकर तिरंगा लगाकर जो है इस ट्रैक्टर मार्च को कामयाब बनाए। तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती थी, उसको अभी भी चुनौती कहेंगे क्योंकि 26 जनवरी तक चुनौती है, और जो 100 किलोमीटर का जो दायरा दिया गया है किसानों को, जो आह्वान किया गया है 100 किलोमीटर के जो दायरे में है उसी में ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और 26 जनवरी को लेकर परेड निकाली जाएगी। लेकिन अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिल रही है। नंदनी बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जो दिल्ली से निकलकर जो पाकिस्तान तक जाने वाला, जो दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं जिस रोड पर, उनसे लगातार हमारी बातचीत जारी है और उन्होंने कहा है कि शांति से जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अपील जो हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अपील करती है लोगों से कि शरारती तत्वों पर जरूर पैनी नजर रखी जाए, ताकि इस आंदोलन में कोई, इस भीड़ का भीड़ भी कहेंगे क्योंकि इस भीड़ में काफी लोग इसमें शामिल भी होंगे, और जो किसान आंदोलन भी कहेंगे क्योंकि किसान जो है वो ट्रैक्टर पर मार्च करेंगे लेकिन भीड़ उसको कहेंगे जो इससे का आंदोलन का फायदा उठाएंगे, और इसमें कोई शरारत ना हो इसको भी पैनी नजर से देखा जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के विभाग लगाए गए हैं, खुफिया विभाग इस पर पैनी नजर रखेगा सरकार की तरफ से। और जो किसानों की बात करें तो जत्थाबंदी जो है, जत्थाबंदी ने भी अपनी एक टीम तैयार की गई है, टीम भी इसमें काम करेगी, बीच में रहेगी, हर व्यक्ति पर पैनी नजर रहेगी। अगर बात करें तो नंदनी जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर पर ही जो जो व्यक्ति बैठेंगे वो एक दूसरे की पहचान वाले बैठेंगे, अन्य तथा जो लोग जो शरारती तत्व हैं उनको बैठने नहीं दिया जाएगा, और लगातार जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, और जो दिल्ली की दहलीज पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको हटाया जाएगा, लाइन से ट्रैक्टरों को जाने दिया जाएगा। एक एक ट्रैक्टर की पहचान होगी, एक एक व्यक्ति की पहचान होगी, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर जो बैठे किसान हैं, और गणतंत्रता दिवस एक देश का सबसे बड़ा पर्व है, जो कि अगर दिल्ली के अंदर कोई हिंसा होती है, कोई इस तरीके का जो अगर कोई बात होती है तो उसका जत्थाबंदी जिम्मेवार होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार जत्थाबंदी जो इसको लीड कर रहा है, और हर व्यक्ति पर पैनी नजर जत्थाबंदी की तरफ से भी रहेगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रहेगी और सरकार की तरफ से भी रहेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि शांतिप्रिय होता है या इसमें कोई उड़दंग भी होता है, क्योंकि उड़दंग इसलिए कि जो लोग इसका कोई फायदा ना उठा ले, क्योंकि एक व्यक्ति को पकड़ा गया था वो जो बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा था, पर पुलिस के सामने कुछ और कह रहा था, जो जत्थाबंदी के सामने कुछ और कह रहा था, इस तरह के व्यक्ति इसमें कोई फायदा ना उठा ले, इसलिए हर व्यक्ति की इस पर पैनी नजर रहेगी। इसमें अलग अलग तरह के विभाग लगाए गए हैं, खुफिया विभाग इसमें ज्यादातर काम कर रहा है, हर व्यक्ति की एक पहचान की जा रही है कि आखिर कौन आप व्यक्ति कहां से है। 26 तारीख को लेकर प्रशासन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं अब अपनी जिम्मेदारियों के तहत प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए।